एक ऐसी बात मैं आपको सुना दूं कि आपको बड़ी तसल्ली होगी सुन के। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लंका में इतने मंदिर के मंदिर फिर मंदिर फिर मंदिर। लंका काशी थी कि हरिद्वार कि अयोध्या, इतने मंदिर का वर्णन तो अयोध्या में नहीं हुआ, काशी के लिए नहीं हुआ, जन लंका के लिए मंदिर फिर मंदिर, मंदिर ही मंदिर। प्रतिकर शोधा, देखो शोध मानी होता है खोज, शोध मानी क्या होता है, शोध मानी खोज। मंदिर मंदिर, रावण को ये लंका विरासतन नहीं मिली थी, विरासतन नहीं मिली थी, ये भगवान शंकर की कृपा से मिली थी। मिली थी कि नहीं, ये भगवान शिव पार्वती के लिए लंका बनाई गई थी। ये सुंदर कंचन का नगर पार्वती जी की इच्छा से बार बार अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने पार्वती के मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए इस नगर की रचना करने का आदेश दिया, एक सुंदर नगर तैयार किया जाए। नगर तैयार हो गया, गृह प्रवेश होना था, रावण को बुलाया गृह प्रवेश में, ऐसा सुनते हैं, सुनते क्या है, होगा ही बुलाया ही होगा, क्यों बुलाया था राम मनोहर दास जी, इन्होंने कह दिया बुलाया तो फिर ठीक है बुलाया था, है ना, बुलाया। लेकिन संकल्प हुआ तो उसने संकल्प में लंका ही मांग ली। ओ भोले बाबा ऐसे हैं कि उन्होंने कहा एब मस्त पार्वती, मुकद्दर में कंचन भवन लिखा ही नहीं है, चलो मैदान में रहें। इसलिए कैलाश के शिखर पर ही जिंदगी भर वास करना है, और ज्यादा तुम्हारी इच्छा कभी कभी हुआ करे कि टूर करना है तो श्मशान पे ले चलेंगे। तो शंकर जी का दूसरा स्थान श्मशान, क्यों, कैलाश और श्मशान, फिर तो कहीं भी जाते हैं भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, विश्वनाथ हैं। परंतु ये विरासतन लंका का अधिकार नहीं मिला था रावण को, ये तो भगवान शंकर की कृपा के परिणाम स्वरूप लंका उसे प्राप्त हुई। अब बताओ शंकर जी के लिए लंका तैयार की गई, तो शंकर जी के लिए जब नगर तैयार किया गया होगा तो आर्किटेक्ट ने जगह जगह मंदिर बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, बोलो जल्दी। शंकर जी के लिए, मैं कहता हूं काशी से भी सुंदर लंका की रचना की जा रही थी, और वहां ही निवास करना ही चाहते थे, काशी तो मजबूरी में रहे, फिर काशी में क्या करें, रहना चाहते थे समुद्र के किनारे, फिर गंगा के किनारे रहने को मिला। काशी किसके किनारे है, गंगा के किनारे रहना चाहते थे, समुद्र के किनारे, समुद्र किस किनारे, और लंका किसके किनारे है, लंका किसके किनारे है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बात, समुद्र के किनारे, और काशी किसके किनारे पर बसी है, गंगा जी के किनारे, काशी में रहना पड़ा। भगवान शिव के लिए यत्र तत्र सर्वत्र मंदिर प्रतिष्ठापित किए गए थे, इसलिए पूरे नगर में मंदिर ही मंदिर बनाए गए थे। भगवान शिव की भावना का आदर करने के लिए लंका की संरचना हुई थी, लेकिन आज रावण के अधिकार क्षेत्र में लंका आ गई। परंतु हनुमान जी ने कहा मंदिर तो बहुत हैं, अच्छा साधु संत कहाँ मिलेंगे, जल्दी बोलो, साधु संत मंदिरों में ही मिलेंगे कि नहीं। जैसे आप चित्रकूट जाओ हमको खोजने के लिए, तो कहां जाओगे, रेस्टोरेंट में, मंदिर में जाओगे कि नहीं जाओगे, हम आपको मंदिर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलो, मंदिर में ही मिलेंगे। कामदगिर मंदिर में मिलेंगे, नहीं तो मंदाकिनी के किनारे कोई मंदिर होगा उस मंदिर में मिलेंगे, मंदिर के अलावा कहीं नहीं मिल सकते हैं, मंदिर में ही मिलेंगे। भगवान मंदिर में रहते हैं, संत भी भगवान के पास जाते, संत भी मंदिर में मिलते। तो संत की तलाश करने के लिए हनुमान जी लंका का परिभ्रमण कर रहे हैं, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन उन मंदिरों में मूर्तियां रो रही थीं और आतंकवादी सो रहे थे,
विडंबना ये थी, आतंकवादी सो रहे थे और मूर्तियां रो रही थीं। अच्छा बोलो भाई, ये जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर बाहुबलियों की निगाह है कि नहीं? बाहुबलियों की निगाह है। वो तो कोई महात्मा अगर सजग पहरी बन करके बैठा है तब तो मंदिर सुरक्षित है, नहीं तो महात्मा चले गए समुद्र में और आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। आतंकवादियों के शिकार होते जा रहे हैं मठ मंदिर, मंदिर की संपत्तियों पर असामाजिक तत्वों की निगाह आ चुकी है। लेकिन प्यारे, ये मंदिर आस्था के केंद्र हैं, इन आस्था के केंद्रों पर संतों का निवास होना चाहिए, संतों की साधना होनी चाहिए। इधर सैनिक अगर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं तो मंदिरों के माध्यम से संत धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मंदिरों को सुरक्षित रहने दो। किसी भी प्रकार की कोई अनाधिकार चेष्टा मत करो, सुरक्षित रखने के लिए आप अपना योगदान देते रहें साधु संतों को, इसी में कल्याण है। ये संदेश है, यही चेतावनी है मेरी। हनुमान जी ने कहा, ओहो, मूर्तियां तो रो रही हैं और आतंकवादी राक्षस सब लेटे हुए सो रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतीकर सोधा देखे जहां तहां यज्ञित जोधा, गए दशाण मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कब ते ही मंदिर मौन दीख बै देही। मंदोदरी परम सुंदरी नारी ललामा, जो विशेष मंदिर भगवान शिव जी के लिए बनाया गया था उसमें रावण का कब्जा था। अति विचित्र कही जात सो नाही, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हेड ऑफ दी डिपार्ट रावण के लिए अति सुंदर व्यवस्था रहने की, भगवान शिव के लिए शिव निवास बनाया गया था लेकिन रावण ने आज भगवान शिव को विवश कर दिया लंका लेने के लिए। विवशी है मजबूर करना, मतलब बलपूर्वक नहीं, अपने बुद्धि चातुरी से। किससे? लंका को जीता नहीं है कि जीत लिया हो, ना 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 ना, बुद्धि की पराकाष्ठा उसने ऐसी प्रदर्शित कर दी कि भगवान शिव